बाप रे, हमका लगा माथा फोड़वा, लेकिन काम था जो लड़का तो सकली लाले निकला, माथे पर बल्ली पड़ी तब बगदा लत पड़ा, जो बगदा छोड़ेगा नहीं तै लाठी लाठी मारेगा कप्तान। इसको बोलते महाभारत। पहले महिलाएं समझाते कि मारपीट ना करो ना करो, उसके बाद जब लाठी चली काम था, जो देखो पीछे से तै लाठी मार सो कप्तान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया, मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ कोतवाली के रानी खेरा मजरे बिलाई पड़ता है। रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, घमासान युद्ध हो गया, लाठी पर लाठी चल रहे थे। असली महाभारत इसको कहते हैं, देख लीजिए दैनिक मीडिया। जब तक एक अधिक माथा को बड़ी फूट नहीं जाएगी। वैसे दोनों पक्षों में मारपीट हुई भैया, जो घायल उनको हैदरगढ़ सीएससी में भर्ती कराया गया। हमने हैदरगढ़ के कोतवाल साहब को फोन भी लगाया, विजय शर्मा जी को, और हमको कहने लगे कि भैया क्या बताएं, भाई तो मारपीट हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है, और जो घायल था उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया सीएससी में, और बकायदा उपचार जारी है। देख लो भैया कैसे मारपीट होने लगी। वैसे मारपीट करने से पहले सावधान हो जाओ, वरना माथा का मार फूट जाएगा। वैसे आपको एक जानकारी और देते, हैदरगढ़ के संवाद सूत्र बता रहे थे कि विपक्षी जिनका नाम दयाराम है, रामराज है, रामतेज है, जगजीवन है, ये सब जिन्हें एक दर्जन से अधिक लोग आए थे, अपने परिजन पर बकायदा लाठी चलाने लगे। दुर्गेश, उनकी पत्नी बकायदा, देख लो रिंकू, शंकर, उन सब पर बकायदा जमकर लाठी बरसाए। पर फिलहाल भैया पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, देखते क्या कार्रवाई होती है। पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर लीजिएगा, से हर जुड़ी खबर से मिलेगी। देख लो भैया महाभारत इसको कहते हैं, कलयुग की महाभारत, जमकर लाठी चले।